हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके से दिखती है और ये सारे प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन है, किसी एक के लिए नहीं कि जेंट्स के लिए ही है सिर्फ या लेडीज़ के लिए है। ये आप जेंट्स में भी बनाइए, बच्चों में बनाइए, लेडीज़ में बनाइए और कुछ भी बनाइए, इससे बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत आसान है। और 16 सिलाइयों की ये डिज़ाइन है, ये इतना पैटर्न हमारा 16 सिलाइयों का है। और ये डिज़ाइन जब एक बार आप बना लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत आसान लगेगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे उसमें एक्स्ट्रा करने हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाइएगा, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगती है तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फंदे कास्ट ऑन करिएगा तो उसमें 4 के मल्टीपल में फंदे रखिएगा और 2 फंदे जो है एक्स्ट्रा रखिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 फंदों में ये डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाई है, अब मैं थोड़ी कम फंदों में आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 16 फंदे डिज़ाइन किए और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो ये पूरे टोटल 18 फंदे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा बेस होता है, जो हमारे बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाद हमें डिज़ाइन शुरू करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एक बेस जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया है बॉर्डर जैसा डिज़ाइन के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले डिज़ाइन की तो शुरुआत की जो 4 सलाइयाँ हैं, जो 16 सलाइयाँ हैं उसमें से जो 4 सलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सीधी उल्टी बनेगी। तो यहाँ पे ये मैंने बना कर रखी हुई है। अब हम अपनी 5वीं सिलाई बनाएंगे। तो 5वीं सिलाई में देखिए क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद देखिए ये 2 फंदों के बाद जो है ये जो नीचे ये जा रही है लाइन, देखिए अब हमें क्या करना है, ये पांचवी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन के फिर 5वीं सिलाई हम शुरू करते हैं। तो एक फंदा सीधा हम बनाएंगे और 2 फंदों के बाद हमें देखिए ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे हमें ये नीचे ये इसमें हमें यहाँ पे सिलाई डालनी है। तो देखिए ऐसे हम सिलाई डालेंगे और फिर उसके बाद हम पीछे से बनाएंगे। तो ये हमें देखिए एक लूप हमारा बन गया, ये ऐसे हम थोड़ा इसको लूज़ रखेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम इसी जगह पे जहाँ पे हमने पहले सिलाई डाली थी वहीं पे हम सिलाई डालेंगे और फिर से एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों बन गए। अब फिर से देखिए उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। ये 2 फंदों के बाद से जो ये लाइन जा रही है यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, ये थोड़ा लूज हम बनाएंगे इसे, फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम फिर से इसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको। फिर से 2 सिलाइयों के बाद हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे, देखिए ऐसे, और फिर 4 फंदे सीधे। ये 5वीं सिलाई है, ध्यान रखिएगा 4 फंदे सीधे और फिर से हम उसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा फिर से बनाएंगे। फिर 2 फंदों के बाद यहाँ पे हम फिर से सिलाई डालेंगे, फिर से ये जो हम फंदा बनाते हैं इसे थोड़ा लूज़ रखेंगे जिससे हमारी डिज़ाइन टाइट टाइट ना हो, थोड़ी ढली ढली सी रहे। और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हम फिर से उसी जगह पर सिलाई डालेंगे और फिर से एक फंदा हम इसका बना लेंगे।
और फिर जो लास्ट का फंदा है उसे हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये उल्टी सिलाई है, छठी सिलाई। छठी सिलाई में हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम उल्टा बुनेंगे और फिर उसके बाद जो उतारा हुआ फंदा है, जो उठाया हुआ एक्स्ट्रा फंदा है, उसे हम ऐसे उतार लेंगे और जो चार फंदे हैं उसे हम सीधा बनाएंगे, 2, 3 और ये 4। फिर से जो फंदा हमने बनाया था वो हम उतार लेंगे, फिर से जो फंदा आएगा उठाया हुआ उसे हम उतार लेंगे, उसे हमें बनाना नहीं है, और फिर से हम जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बना लेंगे, 3 और 4। उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जो फंदे हमें ने बनाए हैं एक्स्ट्रा उसे उतारना है, उसे बनाना नहीं है, और जो बुने हुए फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 3 और 4। बस इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करके अपनी छठी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब ये आखिरी का फंदा भी हम बना लेंगे। अब ये हम सातवीं सिलाई पर आ गए हैं, तो देखिए सातवीं सिलाई में हमें क्या करना है, सातवीं सिलाई में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे और जो ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है उसे हम ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से ले लेंगे और इसे हम पीछे से दोनों दो को एक साथ लेकर बुन देंगे। ये देखिए दोनों को एक साथ लेकर बना देंगे, दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे और फिर ये दोनों फंदों को हम इस तरीके से लेंगे और ये बना देंगे। देखिए ये इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद फिर से उसी प्रोसेस को, ये फंदा है हमने इसको ऐसे उठाया और घुमाकर इस तरीके से इस पे चढ़ा दिया और ये जो दो फंदे हैं उसको हम पीछे से लेकर सीधा बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे फिर से हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे और यहाँ पे फिर से जो बनाया हुआ फंदा इसे हम ऐसे लेंगे और ऐसे बना लेंगे। तो देखिए ये ऐसे बनता हुआ जा रहा है। फिर से उसी प्रोसेस को देखिए, ये हमें ऐसे करना है और इस तरीके से इसे चढ़ा देना है। बहुत ध्यान से देखिएगा और पीछे से लेकर हमें इसे बनाना है, दो फंदे सीधे, फिर ये दोनों जो है फंदा इसे हम ऐसे बना देंगे। फिर से देखिए एक बार और, ये हम ऐसे उतारेंगे और इस पे इस तरीके से चढ़ा देंगे, फिर दोनों को लेकर पीछे से बना देंगे हम और ये दो फंदे सीधे और ये दोनों फंदों को हम एक साथ बनाएंगे, तो जो फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमारे बराबर हो गए। अब देखिए ये हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 7th row। अब ये 8th row आ गई हमारी, 8वीं सिलाई आ गई। तो 8वीं सिलाई हम नॉर्मल इसे उल्टा उल्टा बुन देंगे, तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद 8 सिलाइयाँ हमें फिर से बनानी है। सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा फंदों का आगे पीछे कम या ज़्यादा होंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो इसे हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा पूरा, ये 8वीं सिलाई है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इन 8 सिलाइयों में हमारा पैटर्न कितना बना है। आपको कुछ भी पूछना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए मुझसे। और देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी 8 सिलाइयाँ बनी हैं। अब 8 सिलाइयाँ हमें फिर से बनानी है, तब वो दोनों मिलाकर जो 16 सिलाइयाँ होंगी उन्हें ही हमें अपने प्रोजेक्ट में रिपीट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ फिर से हम नॉर्मल सीधी उल्टी बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम 4 सिलाइयाँ जो है, ये हमारी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सिलाई जो है उसे सीधा उल्टा बनाकर मैं फिर आपको 13वीं सिलाई पर आपको मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है।
तो ये देखिए मैंने फिर से चार सलाइयाँ बना ली हैं प्लेन सीधी उल्टी। अब हमें अपनी जो है जो आगे के प्रोसेस है वो हमें अब बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 8 और फिर उसके बाद 4 सलाइयाँ और बन गई, 12 सलाइयाँ ये हो गई। अब हमें 13 रो 13 सलाई हमें अब शुरू करनी है, 13वीं सिलाई। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 13th रो है ये, याद रखिएगा। 3 जो है 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और उसके बाद फिर हम फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 2 फंदों के बाद ये हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे। देखिए ये 4 फंदों के गैप पर और यहाँ से हम एक लूप बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बना, ये हो गया। फिर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 और ये 4। फिर से हम इसी जगह पर सिलाई डालेंगे और फिर से एक लूप बनाएंगे। तो इसे हम थोड़ा लूज़ रखेंगे कि जिससे हमारी डिज़ाइन जो है वो वैसी ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाएगी तो डिज़ाइन नहीं सही समझ में आएगी। फिर उसके बाद से फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा लूज़ रखेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। और फिर से हम उसी जगह पे डालेंगे सिलाई और फिर से एक लूप बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे सिलाई डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से बनेगा। 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम यहीं पर डालेंगे सिलाई। थोड़ा ढीला ढीला रखेंगे और 3 सिलाइयाँ 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो अब हमें फिर जो है ये जो 14वीं सिलाई है इसमें देखिए क्या करना है, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तीन फंदे उल्टे और जो एक्स्ट्रा फंदा हमने बनाया है उसे हम उतार लेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से जो बनाया हुआ फंदा उतारेंगे, फिर से उतारेंगे और फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 14th रो है, याद रखिएगा 14 सलाई नंबर 14 है ये। फिर से बिना बुने उतारेंगे और ये 3 फंदे सीधे। तो देखिए अब हमें अपनी 15वीं सलाई में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 3 फंदे सीधे बना लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो है फंदा इसे हम उतार कर इस तरीके से करेंगे और इस फंदे को और एक और फंदे को लेकर पीछे से बना देंगे सीधे। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इस फंदों को 2 फंदों को लेकर एक बना देंगे। फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसको हम ऐसे उतार कर ऐसे करेंगे और इसे हम पीछे से बना देंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इसको लेकर 2 फंदे हम, ये देखिए इस तरीके से।
तो बहुत आसान सी डिज़ाइन है, बस फंदों का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती हो तो आप भी बनाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ये देखिए, तीन फंदे लास्ट के सीधे बना लिए। अब जो हमारी 16वीं सिलाई है उसे हम पूरा उल्टा बनाएंगे। जैसे हमने 8वीं सिलाई उल्टी बनाई थी, पूरी उल्टा बुनना है, तो वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। तो ये हम बना लेंगे तो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन्हीं 16 सिलाइयों को आप रिपीट करिए और करते करते अपने प्रोजेक्ट में पूरा बनाइए। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट लगभग हो गई। तो ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो ये जो है हमारी ये 16 सिलाइयाँ हैं, तो इसी को आप बनाते हुए जाइएगा तो हाँ, ये हमारी डिज़ाइन बनती हुई जाएगी। तो ये मैंने बस आपको 16 सिलाइयाँ बना के दिखाई है। जो हमें मेन जो हमारा बेस है, जो पैटर्न है, इसे बस आप पे रिपीट करना है। 16 सिलाइयाँ फिर से आप यहाँ से शुरू करेंगे और आपका पैटर्न बनता हुआ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमारी डिज़ाइन ये बनेगी। बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है और आपको अगर पसंद आती है तो आप भी बनाइए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, ये लाइट कलर में था, यहाँ पे मैंने ये डार्क कलर में बनाया था, तो इस तरीके से दिख रही है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी बनाइएगा। थैंक यू।